वेलकम बैक। आपको बताएं कि निकाह नामे में शराइत और जवाबित तय करने से पहले दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मेनुल्ला पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने 10 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अगर निकाह नामे की शराइत और जवाबित या किसी एंट्री या कॉलम में इबहाम या शक हो तो उसका फ़ायदा बीवी को मिलेगा, ये कहा गया इस फैसले में। और अगर दुल्हन की बामानी मुशावरत के बगैर निकाह नामे के कॉलम्स कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन के हकूक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये भी कहा गया है इस फैसले में। वेलकम बैक। आपको बताएं कि निकाह नामे में शराइत और जवाबित तय करने से पहले दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मेनुल्ला पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने 10 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अगर निकाह नामे की शराइत और जवाबित या किसी एंट्री या कॉलम में इबहाम या शक हो तो उसका फ़ायदा बीवी को मिलेगा, ये कहा गया इस फैसले में। और अगर दुल्हन की बामानी मुशावरत के बगैर निकाह नामे के कॉलम्स कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन के हकूक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये भी कहा गया है इस फैसले में।